Oh my god! Hi guys, good morning and welcome to my channel. और ये छुट्टी का दिन, आज है हॉलीडे वाला मूड और सुबह अभी सुबह 8:30 हुआ है. ये आज सुबह हम रेडी हो गए दोनों और हम जा रहे हैं. हो गए नकल, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे. पता है हम इतने दिन से प्लान कर रहे थे ये संडे जाएंगे लेकिन नहीं हो रहा था. अल्टीमेटली हम जा रहे हैं, हमारे साथ जो बंगाली फ्रेंड है वो भी जा रहे हैं. सो फाइनली वी आर गोइंग एंड आज मेरा आउटफिट देख लो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. सो दिस इज माई आउटफिट. एक पैंट थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया. तो ये जॉगर पैंट है, ये मैंने फॉरएवर 21 से लिया था. लास्ट टाइम मैं और मेरे बेबी दोनों मिलकर शॉपिंग किए थे. ये वाला मैंने नया लिया है अमेज़न से एंड दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा. लास्ट टाइम जो मैंने शॉपिंग किया था ज़ारा का, ये वाला शर्ट है सैटिन का. सो या ओवरऑल दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग सिंपल. चलो भाई बोलो कैसी लग रही हूँ मैं. बहुत अच्छी लग रही हूँ मैडम. ऐसी तो मतलब कमाल की बला लग रही हूँ. कमाल कमाल की कमाल. So now we are in the car. Yes. Electronic City flyover हमने cross कर लिया है. अभी हम RTP लेके तरफ जा रहे हैं. उधर हमारे दोस्त लोग मिलेंगे और हाँ उधर से हम साथ में जाएंगे. They will be on their car. We'll be on our. और baby, yo, enjoying? Yes. Enjoying the ride with me? Yes. It's always fun to ride with you. By the way, मैंने वो शूट नहीं किया. मैं जाते जाते ना अभी ब्रेकफास्ट मैंने टिफिन बॉक्स में लेके आई थी और इनको मैंने बोला था आप खा लो, मैं कार में खा लूंगी आराम से. तो आधा खत्म कर दिया है, मतलब पेट अभी थोड़ा खत्म करते करते. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर खत्म होते होते मेरा आधा ब्रेकफास्ट भी हो गया है. सो ये डन फॉर नाउ, फिर देखते हैं. अरे यार, हम लोगों ने सोचा था कि आरती वेले से होके जाएंगे क्योंकि वो 99 किलोमीटर्स दिखा रहा था उधर से और एक और जो रोड है हाईवे से इट वाज शोइंग 150 किलोमीटर वाया होसूर रोड. तो हमने सोचा ऑब्वियसली शॉर्टकट ही जाएंगे, लेकिन वो वाला रोड इतना गंदा है. अगर आप होगे ना कल जाना चाहते हो तो वो वाला रोड पे कभी मत जाइए भाई, बहुत गंदा है. तो हम लोगों ने बीच में से एक रोड है जो कनेक्ट करता है वो होसूर रोड तक. सो बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ हमें, तो हम फिर से होसूर रोड होके अच्छा वाला रोड से ही जा रहे हैं. तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, 10-15 किलोमीटर है. उससे पहले एक टोल गेट है, मतलब गेट है जहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ देना होता है एंट्री फी और उसके बाद शुरू होता है जंगल का रास्ता. और ये रोड काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है. आपको दिखाती हूँ. बहुत मज़ा आ रहा है. अभी हम लोगों ने एसी बंद कर दिया है भाई, नेचुरल जो हवा आ रहा है ना ये मज़ेदार है. और इतने हाइट पे ये जो हवा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अ ह्यूज रिफ्रेशमेंट, सच में इसी के लिए हम आते हैं. कितना अच्छी अच्छी हवा का मज़ा आता है. बेबी कैसा लग रहा है ड्राइव करने में? मज़ा आ रहा है बेबी, बहुत मज़ा आ रहा है. And enjoy. Yeah, अच्छे ध्यान से गाड़ी चलाओ. थोड़ा कार भी रोड है. So finally you have reached. Yes. और ये देखो ये वाला बैग, दोस्तों क्या आप पहचानते हो जो मैंने मिस्ट्री बॉक्स में इनको गिफ्ट किया था और इन्होंने शक्ल बनाया था कि क्या करेंगे, अच्छा नहीं है, कहाँ पे यूज करेंगे, इसके अंदर कितने सारे चीज है, यू हैव नो आइडिया. अभी देखो काम आ रहा है. तो हम लोग आए हैं अभी खाने के लिए क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है. और अभी हम लोग आए हैं जो रेस्टोरेंट है ना, इधर ही तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मतलब बफे पे मिलता है पूरा साउथ इंडियन मील, 168 रुपीज़ पर पर्सन. तो चलो वही ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है.
सो लंच हो गया है और बहुत ही बढ़िया वाला लंच था, है ना? यस। गरम गरम राइस, उसके साथ सांबर और रसम। रसम थोड़ा तीखा था ज़्यादा, लेकिन सांबर जो था ना बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। भूख लग रही थी और गरम गरम राइस और वो सांबर खा के ना मज़ा आ गया। और अभी हम अभी चल के जा रहे हैं फॉल्स की तरफ। सो यहाँ पे हम लोगों ने बोट राइड के लिए एक बोट वाला के साथ बात किया है। वो 750 पर पर्सन पे लेके जाएंगे फॉल तक और सब कुछ दिखाएंगे। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। पर बोट 3500 एक्स्ट्रा। फाइनली हम लोग लाइफ जैकेट पहन लिया है, हमारा बोट आ गया है और काफ़ी बार्गेनिंग वगैरह है। उसके बारे में मैं बाद में बताती हूँ क्या चक्कर है इधर, एंट्री फी और कितना पैसा लेते हैं। और ये है हमारा बोट, हम इस पे बैठेंगे। ओए गॉड, ओ कोले नहीं रखे देवे, चिंता करिस ना। ओ माय गॉड, बेबी तू लोन अपनी अभी जो पोस्ट इस साइड जाओ। अच्छे से घुमाना, बच्चा है भैया। এই তোমার একটু অধিক সরি সরি বসো, তাহলে আমি বসবো। হ্যাঁ আমি বউর সাথে বসবো। তোমার একটু সরি সরি বসো। হ্যাঁ ভাই সাহেব, ओयो बेबी बोशो। अभी वोटिंग शुरू हो गया है, क्या हुआ? ठीक से आराम से बैठो। हाँ गीला हो गया है मेरा, इसलिए। हाँ इधर पानी नीचे गीला है। ये देखो ये बच्चा कैसे देख रहा है पानी। ममून हाय बोल दे। हाय उत्रिदा। हाँ इंट्रो नहीं हुआ आज अभी तक ब्लॉग में। और ये देखिए आसपास सब बोट में घूम रहा है। ये देखिए उधर से हम लोगों ने बोट 145 हमने स्टार्ट किया है। देखो अभी 145 हो रहा है। हाँ 145 भैया, 2 किलो इसका अभी कम बैक रिटर्न 430 कम जा देखो 430। ओके ओके झोले जाओ बड़े बड़े ब्रो, मतलब टैन हो जाएंगे पूरा, इतना धूप है ना। अभी 145 हुआ है। वो कोई नहीं, बहुत कम है। 430 रिटर्न। ओ माय गॉड, इतनी देर में तो जल जाएंगे। अभी इंजन बोट नहीं है, तवा फ्राई। तो ये छोटा वाला एक राइड था जहाँ से छोटा वाला राइड था यहाँ तक आके हमें अभी क्या दिखने को मिलेगा? वाटरफॉल। यस चलो। ओके तो उसके बाद का जो एक्स्ट्रा है वो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे लेके जा रहे हैं ये लोग बोट, और फिर उस तरफ जाके फिर से हम बोट में आएंगे। उधर नहा भी रहे हैं। हाँ मतलब एक ऐसे आराम से नहाओ, टाइम स्पेंड करो। चलो 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 चलो। बहुत गर्मी है भाई, गर्मी भी नहीं आ रही, बहुत गर्मी हो रहा है। देखता हूँ मैं, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ। हम लोग बहुत दूर था कल, उधर कोई है एक जगह है और करके देखता हूँ, देखता हूँ। बहुत मजेदार है यार ये तो, है ना? बहुत मजेदार है। और पानी इतना ठंड है ना, सच में इतनी गर्मी में है। ओ माय गॉड, मजा आ गया, मजा आ गया। ओहो बहुत अच्छा लग रहा है।
चलो चलो माथा ढका तो असुविधा मुझे इतना धूप लग रहा है ना, ऑलमोस्ट सर दर्द चालू हो गया। तो मेरा जो ये शर्ट है ना, यही मैं ऊपर से ऐसे ले लिया। गलती हो गई, मैं टोपी लाना भूल गई। मतलब बीच रास्ते में ही मैं बोल रही थी यार टोपी लाना अच्छा था, ये लोग लेके आए, हम दोनों लेके नहीं आए, टोपी लाते तो अच्छा होता। ये है एक और, मतलब इतने सारे वाटरफॉल्स है, मतलब आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। इधर भी देखिए, ये उधर मूवी का शूटिंग कहाँ हुआ था भैया? रावण और और अगस्त में ये बहुत, मतलब चारों तरफ, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, चारों तरफ से वाटरफॉल निकलता है, तो अलाउड नहीं होता है टूरिस्ट लोगों का। आई डोंट नो हम लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं। मतलब ये पत्थर कर्नाटक का और ये पत्थर तमिलनाडु का है, ऐसा है क्या भैया? मिडिल कावेरी रिवर, तो ये वाला रिवर का पानी भी कर्नाटक का, ये वाला तमिलनाडु का। अच्छा, ये देखिए बोटिंग में भी आपको फ्लोटिंग मार्केट मिल रहा है बैंकॉक जैसा। इधर पे चिप्स, बिस्लेरी वाटर, सब कुछ बिक रहा है, वाव। और मैंने पूछा टोपी है क्या आपके पास? ये देखो ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है, इसके नीचे इतना धूप है ना, इज द बेस्ट ऑप्शन सीरियसली। विदाउट लाइक बड़ा वाला हैट इधर आना बहुत मुश्किल है, बहुत धूप है। हाय, हेलो, इनकी हालत ऐसी है और मेरी हालत ऐसी है। माय गॉड, हम लोगों ने एक बेटर तरीका ढूंढा है अपने आप को शेड में डालने के लिए, इसको उल्टी तरफ से हमने सर पे दे दिया। नाउ इट इज बेटर थोड़ा, मतलब नहीं तो मजा खराब हो रहा था सच में। ऐसा लग रहा था भाई बहुत धूप है, बहुत धूप है। उस तरफ वाटरफॉल था, वाटरफॉल से हम पानी इधर बह रहा था, हम इधर आए और अब देख सकते हो इधर रेत है, और इसके ये जो रेत है इसके बैक साइड पे वाटर बॉडी है, बैक वाटर काइंड ऑफ। तो ये देखने के लिए जा रहे हैं थोड़ा, और हाँ ग्रीन है, बहुत डिफरेंट है दिखने में, दिखाती हूँ आप लोगों को। लेकिन भाई बहुत धूप है, पता नहीं इसके बाद तबीयत खराब होने वाला है। सो ये तो हमारा बोट उधर हमने रखा है, और ये चल के, हाँ ये ग्रीन देख सकते हो, और ये बैक वाटर है थोड़ा सा, और दिस इज़ तमिलनाडु एंड दैट इज़ कर्नाटका। अभी हुआ है दोपहर का 3, और एक्चुअली अभी धूप थोड़ा कम हो गया है, तो अगर आपको आना है तो सीरियसली 2 बजे के बाद आइए, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे मतलब
पानी का आवाज़ आ रहा है और हल्का हल्का ऐसे हवा चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम लोग सब लंच करके आए हैं, तो अभी हमारे बोट के सीन देखो, ये पर्सन नंबर वन ये पूरा सो गया है, ये आधा लेटा हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट सो गए। ये है हमारे हालत, मैं भी आधा लेटी हुई हूँ इसको कुशन करके, मतलब मस्त लग रहा है। ये देखो, ये है हमारा बोट का सिचुएशन, सब लेटे हुए हैं बिंदास। सच में इधर सेकंड हाफ को आना है, इतनी धूप में आना है तो बहुत मजा आएगा। नाउ इट्स अ कोकोनट ब्रेक, तो हम बोट पे ही सब मिलके कोकोनट पानी पी रहे हैं। कोकोनट वाटर ब्रेक हो गया है, बट कोकोनट वाटर के बाद कोकोनट मलाई ब्रेक, मलाई मलाई एंड मलाई, सब मलाई खा रहे हैं। दिस बॉडी हैज एंजॉयड लाइक एनीथिंग। तो हो गया हमारा बोट राइड। गाइस कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। उत्तिदा ठीक था? ठीक था, सिर्फ इनको चक्कर कटना था। वो चक्कर वाला ठीक था, बाकी ठीक था। मामोद बहुत ही बढ़िया, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा था, हम लोगों का थोड़ा सा लो हो गया था, इतना धूप था तो बाद में एनर्जी इसका था। हाँ वही मामून का, छोटे वाले ने तो वाटर। हाँ बहुत मजा किया है, बहुत अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं हैंगिंग ब्रिज, और पता है हमारा जो मतलब कमर से नीचे का पोर्शन है जहाँ पे हम बैठे थे, पूरा गीला हो चुका है, पैंट्स सबका पीछे पूरा गीला हो चुका है, पूरा गीला। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा सेट ऑफ कपड़ा लेके आए थे, तो इसलिए अभी हम हैंगिंग ब्रिज देखेंगे, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे। हमें पता था कि इधर थोड़ा पानी वानी गिरता है, तो पानी का जगह है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सेट लेके आना पड़ता है। और मेरा ना गला भी दर्द कर रहा है, शायद मैं बीमार पड़ूंगी। यहाँ पे ना पता नहीं क्यों सब लोग मसाज कराते हैं, आप पीछे देख सकते हो बहुत लोग मसाज करा रहे हैं, मैं इतना दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों, मतलब मसाज बैंकॉक जैसे मसाज मसाज पूरा सब लोग करा रहे हैं, तेल डाल के अच्छे से मसाज। ये है हैंगिंग ब्रिज और इधर से वाटरफॉल का व्यू बहुत अच्छा आता है, चलो देखते हैं। ये देखो कैसे नहा रहे हैं लोग इधर, क्योंकि पूरा भीग चुका था। और वॉशरूम में जाके हम चेंज वेंज करके आए, मैं भी आपका भी दिखाती हूँ। ये देखो ये है मेरा पति, चप्पल में है, ये हम दूसरी सेट लेके आए थे। और मैं हाँफ रही हूँ क्योंकि इन्होंने बोला फ़ोन कहाँ है, तुम वॉशरूम में छोड़ के आई, मैं भाग भाग के गई फ़ोन के लिए। फिर मुझे लगा यार मैं आते वक्त व्हाट्सएप चेक कर रही थी, हाउ कम आई कीप इट देयर एंड देयर। और जब मैं चेंज कर रही थी ना एक जगह पे मैंने रखा था, फिर मैंने सोचा शायद वही रहेगा होगा, लेकिन नहीं, माय गॉड। तो चलो अभी हो गया, सो हो गया ना। कल आने का कुछ टिप्स बताना है, एक तो अगर समर में आ रहे हो, या तो फिर देखो अभी फरवरी का मंथ है, अभी भी बहुत गर्मी है, बहुत परेशानी हुई, तो सेकेंड हाफ में आओ, 5 बजे तक खुला रहता है, तो 2 बजे बोटिंग 5 बजे तक खुली रहती है बोटिंग। और एक्चुअली क्या होता है, 750 रुपीज़ लेते हैं वो, एक जगह से लेके एक जगह तक लेके जाते हैं, और उसमें ज़्यादा कुछ दिखने को नहीं होता है, मतलब वाटर बॉडी आपको दिखेगा, एक्चुअल जो वाटरफॉल है, जो जहाँ तक आप घुसते हो, जो आप लोगों को हमने दिखाया है कि वाटर स्प्लैश हो रहा था, तो वो सब करने के लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका बोट वाला कितना चार्ज कर रहा है, कहीं पे 3,000, कहीं पे 4,000, कहीं पे 3,500, कहीं पे 2,000। हम लोगों को 3,000 चार्ज किया, हम एक्चुअली 3,500 बोला था उन्होंने, थोड़ा हमने 3,000 करवाया। और हाँ वो वाला किया तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब पूरा वो फॉल के अंदर जाते हो, पूरा वाटर बॉडी दिखाता है। तो अगर आते हो तो हाँ थोड़ा खर्चा तो है, लेकिन
एक्स्ट्रा सेट ऑफ कपड़ा भी लेके आना, क्योंकि अगर आप पानी में बिल्कुल नहीं भी जाते हो फिर भी वो जो बोट है ना उसमें थोड़ा सा भीग जाते हो, जैसे कि हम लोग थोड़ा भीग गए थे, और इसलिए, और अगर चाहते हो तो पूरा दिन आप नहा सकते हो, मसाज करा सकते हो, उसके लिए भी एक्स्ट्रा कपड़े लेके आना, कुछ स्टाइलिश कपड़े वो सब नहीं चाहिए, नॉर्मल कपड़े लेके आना, भीगना ही है तो या और कुछ इधर आना और इधर खाने पीने का भी सामान लेके आके आप बोट में अपना इंजॉय कर सकते हो अगर आप अपना लेके आते हो तो दैट्स समथिंग इज वेरी वैल्यूएबल। यहाँ के बोट राइडर्स दोनों कन्नड़ा और तमिल दोनों बोलते हैं और कुछ कुछ इंग्लिश भी बोलते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश भी बोलते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश बोल रहे थे, बहुत लोग वो भी बोलते हैं। हाँ तो या आई थिंक यही टिप्स था।